बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं उमेर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट, जो कि सियालकोट शाहपुरा में वाक़ है। वहाँ छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा, जिसमें स्पोर्ट्स गुड्स, हौजरी और इसके साथ साथ आपको सर्जिकल की कंपनीज़ भी मिलेंगी। तो आपने मेरे साथ रहना है, तो चले आए, अब चलते हैं जी। व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं शाहपुरा, और ये आप देख सकते हैं, ये फूड स्ट्रीट भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये सियालकोट की बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है जो कि शाहपुरा में है। ये आप राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, रेस्टोरेंट होटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, और हफ्ते की रात को यहाँ बहुत रश रहता है। और मेरे ये लेफ्ट साइड पे वापरा का ऑफिस है, ये आप गैपको कलोनी है, ये देख सकते हैं। और इसके साथ ही इंशाल्लाह जो इंडस्ट्रियल स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा था वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस रोड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट मिलेंगे। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा और क्या ले के बारबेक्यू अगर आपने खाना है तो वो भी आपको मिलेगा, बट कढ़ाई जो है वो भी आपको मिलेगी। तो इस पर मैंने व्लॉग भी किया हुआ है फूड स्ट्रीट के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो जनाब स्टार्ट हो चुकी है। मेरे ये लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं UPL का ऑफिस है। एक तो ये रोड जाती है, लेकिन मैं मेन एंट्रेंस जहाँ से होती है वहाँ से आपको ले कर जाता हूँ। और कॉलेज भी है यहाँ UMT। तो ये पूरा इलाका जो आप मेरी लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट है जो कि बिल्कुल सियालकोट के वस्त में वाक़ है जी। और ये मार्केट भी मैं आप ही आपको लेके जाता हूँ, जहाँ आपको पोलिस्टर की जितना फैब्रिक है यहाँ से आपको मिलेगा, यानी हौजरी के रिलेटेड आपको जितना भी कोई कपड़ा वगैरह चाहिए तो पोलिस्टर जो है इस मार्केट से मिलता है, और अगर कॉटन चाहिए तो वो इससे आगे जो मार्केट है वो वहाँ जाके आपको मिलेगा, रहमान मार्केट है उसका नाम। तो ये सियालकोट की बहुत बड़ी कंपनी जो है ग्रेस ऑफ कैम्ब्रिज और अनवर ख्वाजा इंडस्ट्री, आप मेरे ये सामने देख सकते हैं। ये जी मेन एंट्रेंस है इंडस्ट्रियल स्टेट की। बैंक्स भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, तमाम यानी कह ले बैंक्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। और ये बात कर रहा था जी मैं, ग्रेस ऑफ कैम्ब्रिज जो हॉकी बनाती है और इंटरनेशनली ये हॉकी खेली भी जाती है इनकी, और फुटबॉल जो है वो अनवर ख्वाजा इंडस्ट्री बनाती है जी। ये साथ साथ दोनों कंपनीज हैं, ये ग्रेस ऑफ कैम्ब्रिज और ये साथ आप देख सकते हैं अनवर ख्वाजा इंडस्ट्री। तो अब यहाँ से हम जनाब वापस चलते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर। और इस रोड के ऊपर जनाब आपको सोडा वाटर, खाने पीने की तमाम अशिया मिलेंगी, क्योंकि अब छुट्टी का टाइम भी हो रहा है, नहीं तो मैं आपको कोई कंपनी विजिट भी करवा देता, क्योंकि 5 बजने वाले हैं तो छुट्टी की जो होती है 5 बजे हो जाती है यहाँ पर। ये जी मेन एंट्रेंस है इंडस्ट्रियल स्टेट की, ये देखिए तमाम कंपनीज आपको यहाँ मिलेगी, हौजरी की, सर्जिकल की। ये मेरे राइट साइड पे GOC पार्क लिमिटेड कंपनी है जी, ये यानी सियालकोट में सबसे पहले जो कंपनीज थी वो इसी जगह पे वाकिया थी सारी। तो अब जैसे जैसे माशाल्लाह काम बढ़ता गया लोगों का, तो वो इसको पसरूर रोड, डस्का रोड, फैक्ट्रीज अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना ली गई हैं। तो जो उनकी छोटी फैक्ट्रीज थी वो इसी पे ही हैं अभी भी। इंडस्ट्रियल स्टेट है ये, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट, ये हेलीफैक्स है, ये देखें कंपनी सी कंपनीज हैं माशाल्लाह। और ये बिल्कुल कह लें ये जनाब मेन चौक आ जाता है इंडस्ट्रियल स्टेट का। इसके साथ जनाब एक्सचेंज भी है, काफ़ी पुरानी एक्सचेंज है ये PTCL की जो आप देख रहे हैं, और मस्जिद जनाब जामिया मस्जिद बहुत मशहूर है ये वाली स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट की। ये जितना आपको इलाका मैं इस टाइम दिखा रहा हूँ ये तमाम जनाब फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे। और अभी आपको मैं सर्जिकल की दिखाता हूँ फैक्ट्री, और ये 1122 का ऑफिस भी है यहाँ पे, जो कि फायर ब्रिगेड की अगर अल्लाह ना करे उदाना हास्ता अगर कोई आग वगैरह लगती है तो बिल्कुल अंदर जनाब 1122 की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और फायर ब्रिगेड भी खड़ी हैं। और ये देखे जी ये तमाम सर्जिकल आइटम्स यहाँ बनती है जिस एरिया में मैं अभी आया हूँ आपको ले कर, यानी पोर्शंस बना लिए गए हैं। जो ये एरिया ये सर्जिकल का है, स्पोर्ट्स का पीछे था, और यहाँ आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी मिलेंगे। ये देखिए अवामी दाल चावल और बिरयानी हाउस। और इस टाइम छुट्टी का टाइम हो रहा है तो जो वर्कर्स हैं वो छुट्टी करके जनाब जा रहे हैं। ये देखिए ये जनाब सर्जिकल के हालात बन रहे हैं यहाँ पे। यानी ये जितना इलाका है ये सारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है जनाब। मकसद मेरा आपको दिखाना है कि जी देखिए सियालकोट में माशाल्लाह कितने हुनरमंद लोग रहते हैं,
और हर चीज़ यहाँ पे बनती है, सर्जिकल की भी, स्पोर्ट्स की भी, और स्पोर्ट्स आइटम्स तो ज़ाहिर है बनती हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत काम ये करते हैं, ग्लव्स वगैरह, जैकेट्स, लेदर जैकेट्स भी बनती हैं, ये तमाम कंपनीज आप देख सकते हैं। और जिस एरिया में अभी घूम रहा हूँ, ये सर्जिकल डिपार्टमेंट है जी, नदीम सर्जिकल कॉरपोरेशन, ये आप सामने देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री और कितनी खूबसूरत फैक्ट्री है। और यहाँ बड़ा ख्याल रखा जाता है कि अंडर 18 जो बच्चे हैं, यानी 18 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल यहाँ काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि ये इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफवर्जी होती है, तो उसको बड़ा मद्देनज़र रखा जाता है इन चीज़ों को। और ये देखिए, ये भी फैक्ट्री आप सामने देख सकते हैं, ये तमाम सर्जिकल का एरिया जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ फुटबॉल मेकर स्टोर भी यहाँ आपको मिल जाएगा जी, छोटा सा। और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे VIP वेयर्स हो गया, और इसके अलावा जनाब फॉरवर्ड स्पोर्ट्स हैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये जनाब इतनी कंपनीज हैं, ये आपको बाहर मेन रोड पे मिलेंगी, यानी शहर से बाहर, कुछ पसरूर रोड के ऊपर है, कुछ वज़ीराबाद रोड के ऊपर हैं, और कुछ डस्का रोड के ऊपर हैं। तो ये जो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री है, वो जनाब ये बिल्कुल सियालकोट शहर के अंदर लगी हुई है, और बहुत पुरानी है ये। ये जनाब ब्रॉक सर्जिकल, यहाँ आके एंड हो जाता है अभी, जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो आइटम्स हैं या जो इंडस्ट्री है, वो अब आगे स्टार्ट होने लगी है। ये देखिए जनाब, यहाँ से हम जैसे ही लेफ्ट लेंगे तो अब स्पोर्ट्स जो कंपनीज हैं वो आ जाएंगी। ये एलन स्पोर्ट्स है, ये देखिए सामने, बड़ी मशहूर कंपनी है जी एलन स्पोर्ट्स। और जगह जगह जनाब छोटी छोटी मस्जिद भी हैं, ताकि अगर लेबर ने नमाज पढ़नी है तो फैक्ट्री के अंदर भी उन्होंने जगह बनाई हुई है। ये देखिए बिल्कुल फैक्ट्री है फ्रेंको, और उसके बाहर जनाब साथ ही मस्जिद भी है। हर यानी कहले कंपनी ने मस्जिद एक छोटी सी बनाई हुई है, ताकि उनके वर्कर्स जो हैं वो नमाज अदा कर सकें। ये देखिए सारी कंपनीज मैं आपको दिखा रहा हूँ जी इस टाइम। व्यूअर जी, आप देख सकते हैं जी, स्मॉल मास्टर प्लान स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट नंबर 1, यानी ये पूरा मैप बना हुआ है जी इस पर, ये आप देख सकते हैं, यानी ये मेन एंट्रेंस है ये जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट की। यहाँ से मैं अब आपको सारा दिखाता हूँ जी, ये सामने, और इस साइड से भी आपको दिखाऊँगा। एक लेदर की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जी सियालकोट की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें जी, RDX लेदर कॉरपोरेशन, बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि फिटनेस की चीज़ें बनाती है, ग्लव्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जनाब, ये RDX बहुत मशहूर कंपनी है सियालकोट की। ये जनाब देखें, टोनी ब्रदर्स भी है यहाँ पे है जी कंपनी, ये देखें टोनी ब्रदर्स सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स का, और ये क्राउन सर्जिकल। इस टाइम जनाब छुट्टी का टाइम हो गया है, तो रश भी एकदम से यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि जब वर्कर्स निकलते हैं तो बहुत रश हो जाता है इन रोड्स के ऊपर। ये देखिए बाहर पार्किंग है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको बड़ा पसंद आता होगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बताऊँ कि सियालकोट के जो लोग हैं वो बड़े हुनरमंद हैं, और माशाल्लाह स्पोर्ट्स सिटी का नाम दिया गया है सियालकोट को। तो ये देखिए जनाब, आपको बहुत ज़्यादा जनाब यहाँ लोग जो हैं मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं। ये देखिए जनाब, छोटी छोटी रोड्स बनी हुई हैं पूरी इंडस्ट्रियल स्टेट में, और यहाँ से हम राइट जाते हैं। ये देखिए जनाब, कंटेनर मार्शल आया हुआ है और लोड हो रहा है यहाँ पे, देखिए कितना बड़ा कंटेनर है। यही जनाब कंटेनर लोड होके जाएगा जनाब ये अली सियालकोट ड्राई पोर्ट पर, वहाँ से चेकिंग होके फिर ये कराची फॉरवर्ड होगा पोर्ट पर, वहाँ से जनाब ये दूसरे ममालिक में जाएगा। व्यूअर्स, आपको मैं एक मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी माशाल्लाह सियालकोट में बना हुआ है, जहाँ जनाब आपके बच्चे आके हुनर सीख सकते हैं, प्रोफेशनली यहाँ काम सिखाया जाता है। ये देखें जनाब, और कोई फीस नहीं है इसकी, ये बहुत बड़ा यानी कॉलेज है, जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर ही लगाया गया है, जहाँ बच्चे अपने जो उनको अच्छा लगता है काम, उसका जनाब वो हुनर उसको सिखाएंगे बच्चों को। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का भी, और ये सियालकोट की आवाम का भी, कि माशाल्लाह वो अपनी जनरेशन जो है वो तैयार कर रहे हैं हुनरमंद, ताकि जो उनके बड़े लेके चले हैं ये काम, वो बच्चे भी आगे उसको लेके चलें। और ये मस्जिद बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है, और काफ़ी बड़ी जामिया मस्जिद है,
यहाँ जुमा होता है जी, तमाम वर्कर्स इन फैक्ट्रीज के यहीं आके जुमा अदा करते हैं। और ये टेलीफोन एक्सचेंज बहुत पुरानी ये टेलीफोन एक्सचेंज है जो पूरे सियालकोट को यहाँ यहाँ से जनाब इंटरनेट सप्लाई हो रहा है। तो अभी मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ जी, वो हौजरी का वहाँ काम होता है, यानी आपको कपड़ा अगर प्लिस्टर के रिलेटेड चाहिए तो आपको यहाँ से डाइंग यानी करवा सकते हैं, आप ऑर्डर पे भी तैयार करवा सकते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं वहीद डाइंग एंड नीटिंग, ये जनाब वो आप रूल देख सकते हैं कपड़े के अंदर। यहाँ प्लिस्टर का बहुत ज़्यादा कपड़ा आपको मिलेगा, जिस किसी किस्म का आपको चाहिए यहाँ से आपको अवेलेबल होगा, हर कलर में आपको मिलेगा जी प्लिस्टर का जो फैब्रिक है। दोबारा मैं आपको नाम बता देता हूँ, वहीद डाइंग के नाम से जनाब ये कंपनी है। तो ये जनाब आप लास्ट रोड पे आ गए, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि ये भी रोड जाता है, उसी रोड पे मैं आप आ गया हूँ। ये देखिए जी, ये एक और कंपनी आ गई है, ये स्पोर्ट्स की है, रीमो स्पोर्ट्स। यानी बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, मैं आप गिनाना शुरू होऊंगा तो ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको पूरी इंडस्ट्रियल स्टेट दिखा दी है। ये सुल्तान सोप फैक्ट्री बहुत पुरानी फैक्ट्री है जी, ये सुल्तान सोप आपने साबुन इस्तेमाल करते होंगे कपड़े धोने वाला, सुल्तान सोप के नाम से ये आपको मैं कंपनी दिखाई है, ये यहीं से बन के जाता रहे। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जी, ये बहुत पुरानी बहुत मशहूर साबुन होता था सुल्तान सोप, ये प्राइवेट लिमिटेड है। देखिए यहाँ से ये जनाब ये साबुन तैयार होके, बाद में फिर अलरहमान सोप भी होता था, इन्हीं के भाई का था वो भी, तो आजकल तो इतना नज़र नहीं आ रहा सुल्तान सोप, लेकिन मैंने बचपन में मुझे याद है कि तब ये इस्तेमाल करते थे कपड़े धोने के लिए। तो ये फैक्ट्री अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ मौजूद है जनाब सुल्तान सोप फैक्ट्री। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरा जो व्लॉग है आपको आज का बड़ा पसंद आया होगा, ज़रूर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। ले जनाब हम वापस शाहपुरा रोड पर आ चुके हैं, और ये फूड स्ट्रीट का आपने ब्लॉग ज़रूर देखना है मेरा, क्योंकि फूड स्ट्रीट रात के टाइम जगमग कर रही होती है ये हमारी शाहपुरा की, तो बहुत मज़े मज़े के खाने यहाँ आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ से मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो ब्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में मैंने आपको स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो सियालकोट की है वो दिखाई है। इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपको दिखाता रहूँगा, ज़रूर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।